मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया द्वारा भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब कई मंडल अध्यक्षों और पूर्व जिला महामंत्री ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के इन पूर्व मंडल अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद इन सभी मंडल अध्यक्षों का कहना था कि लगातार ही पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, जिसके चलते वे पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, कपिल सोनी, देवेंद्र राजपूत सहित पूर्व भाजपा जिला महामंत्री रमन खत्री और अभिलाष हजारी शामिल हैं। सिद्धार्थ मलैया के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ मलैया के समर्थक लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं आज इन सभी ने अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष को सौंप दिए। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी का कहना था कि पार्टी ने इन्हें विधानसभा उपचुनाव में भीतरघात के चलते निलंबित किया था। वहीं इन्होंने किसी भी तरीके से अपनी बात पार्टी कार्यालय आकर नहीं रखी और पार्टी नेताओं को भी यह आभास था कि ये इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ कहना था इस्तीफा देने वाले मंडल अध्यक्षों का और क्या बोले भाजपा जिला अध्यक्ष, आइए सुनते हैं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था, पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में हम हैं, कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी, मिंटू हैं, देवेंद्र हैं, चार ये मंडल अध्यक्ष हैं और मैं पूर्ण जिला महामंत्री रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी पिछले बार मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं। युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिला अध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कॉपी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को ढूंढवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है। आने वाले समय में हम अपना जो कदम होगा वो करेंगे ये बात, लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी और दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे। एक कारण तो आपने अपने इस्तीफे का बता दिया, दूसरा कारण ये कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे ने भी अभी हाल ही में भाजपा छोड़ी है, क्या इस को हम उनका समर्थन मारे आपको? समर्थन हमने उस दिन भी हम लोग सब बात कर रहे हैं कि एक अच्छे विचार को लेकर जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो दमों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन होना चाहिए, अपराध मुक्त राजनीति होना चाहिए, जो भी इस तरीके की पहल करेगा हम सब उनके साथ हैं और सिद्धार्थ भाई ने पहल की है, हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ हैं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम। क्या कारण था और क्या बोला था कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीकों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं, आयतित नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठा कर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन क्षुब्ध है।
इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देने आए थे। दूसरी एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक सवा साल के लगभग हम लोग यहाँ पर निष्कासित हुए हो चुका है। हम पांच मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था, उस समय निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय जो चुनाव की संपूर्ण जवाबदारी जिताने की क्या केवल मंडल अध्यक्षों की थी पाँचों की? अगर मंडल अध्यक्षों की जवाबदारी थी तो क्या मंडल अध्यक्ष से पूछ कर टिकट दी गई थी? हम लोग तो चूँकि शुरू से कह रहे थे कि राहुल सिंह का विरोध है। मैं आज ये बात इसलिए सामने पूछना चाहता हूँ क्योंकि मौका मिला और बहुत समय से भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है। और भी जिम्मेदार लोग थे, क्या प्रीतम सिंह जी जिला अध्यक्ष जो हैं, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो भी यहाँ पर 15 दिन रहे, 12 दिन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी रहे, या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? मात्र जो भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं उनकी जवाबदारी पर आपने चुनाव लड़ा था। मैं पूछना चाहता हूँ अगर हमारी जवाबदारी पर लड़ा था तो हमारे जो हमने प्रत्याशी बताया था उसको टिकट क्यों नहीं? ये प्रश्न भी मैं आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ और एक पत्र के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मुझे इसका जवाब दिया जाए। आपने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से क्या कहना क्यों लिया? तो दमो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी गतिविधियाँ ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के अनुरूप चल रही। जो विचारधारा को लेके लगभग 30 वर्षों तक काम किया पार्टी में, आज वो विचारधारा हमें लगता है लुप्त होती जा रही है और सत्ता के लालच में ऐसे विचारों को खत्म किया जा रहा है। इससे आहत होकर मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। हुए थे चुनाव के दौरान पूरा प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का दमोह में था और प्रदेश नेतृत्व ने देखा कि दमोह में जो हाल ही में लोगों ने जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उन लोगों ने चुनाव के दौरान क्या स्थितियां की, क्या काम किए, किस तरीके से काम किए। जो भारतीय जनता पार्टी की 35-40 सालों से निरंतर सीट जीतते आ रहे थे वो सीट किस तरीके से हारे, इसमें निश्चित ही पूरा प्रदेश नेतृत्व देख रहा था, पूरा प्रदेश नेतृत्व समीक्षा कर रहा था और प्रदेश नेतृत्व को जो लगा उसके आधार पर प्रदेश नेतृत्व ने 6 लोगों को निलंबित भी किया था और उन 6 लोगों के निलंबन के बाद जिन्होंने चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की थी तो वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आना बंद कर दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब आना बंद कर दिया तो निश्चित ही वो कोई भी कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इसलिए और उन्होंने अलग से जो अभी पूरे दमो नगर में माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है नगर पालिका को लेकर, तो उस चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए पुनः ये किस तरीके से ये कृत्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो लग रहा है कि कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले नहीं थे, ये व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होने वाले लोग थे, व्यक्ति विशेष के साथ ये उनके साथ गए हैं और ऐसे लोग निश्चित ही पार्टी के लिए जो भी कर रहे थे वो पार्टी के हित में नहीं था और उन्होंने आकर के जो ज्ञापन दिया, इस्तीफा दिया है, इसके पहले वो अभी हाल ही में आप लोगों के माध्यम से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन सिद्धार्थ मलैया जी ने किया था जिसमें उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी थे तो ये भी उस में शामिल थे, तो इसकी सूचना मैं प्रदेश के पदाधिकारियों को पहले ही दे चुका था और प्रदेश पदाधिकारियों का भी कहना था कि ये कभी ना कभी ऐसा काम होगा और ये लोग पार्टी छोड़ कर के जाएंगे। पार्टी ने छोड़ दी है, अब क्या लगता है इस चुनाव में नगरीय निकाय में पार्टी को कितना नुकसान होगा जो भी एक नया धड़ा तैयार हो गया? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आपने भी देखे होंगे कई प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी से गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी